आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, दुनिया का एक कड़वा सच है कि जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती है उसके चेहरे से भी बुढ़ापा झलकने लगता है। इस बुढ़ापे को उजागर करने में आपके चेहरे की झुर्रियाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आमतौर पर ये झुर्रियाँ बुढ़ापे में नजर आती हैं, लेकिन आजकल गलत खान पान और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन के चलते झुर्रियाँ बुढ़ापे से पहले ही पनपने लगती हैं। यदि आपके चेहरे पर एक बार झुर्रियाँ आ गई हैं, तो फिर ये बड़ी तेजी से बढ़ती चली जाती हैं और आप वक्त से पहले ही अधिक बूढ़े दिखने लगते हैं। कई बार धूप के ज्यादा संपर्क में आने से भी झुर्रियाँ होने लगती हैं। कुछ लोगों की त्वचा काफी ढीली होती है, जिससे झुर्रियों को पनपने में और फैलने में आसानी होती है। ऐसे में आपकी त्वचा जितनी टाइट यानी कसी हुई होगी, झुर्रियों का आपके चेहरे पर आना भी उतना ही मुश्किल होगा। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि आपके हाथ, गले के आसपास और पीठ की त्वचा पर भी झुर्रियां अपना घर बना लेती हैं। ऐसे में यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं या अपनी त्वचा पर इन झुर्रियों को आने से रोकना चाहते हैं, तो हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी झुर्रियों को एकदम रोक देगा। सबसे पहले आप नुस्खा बनाने की विधि देख लीजिए। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में आधा चम्मच शहद डालें। शहद हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे चेहरे पर मौजूद बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है और साथ ही हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। शहद के बाद आप कटोरी में एक चम्मच ग्लिसरीन मिला दें। इसके बाद एक चम्मच अंडे का सफेद भाग और एक चम्मच बादाम का तेल इसमें मिला दें। इन सभी चीजों को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें। प्रयोग विधि देखिए। सबसे पहले आप अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से आपकी त्वचा के रोम छिद्र अच्छे से खुल जाएंगे और ये नुस्खा ठीक तरीके से काम करेगा। अब अपने चेहरे को साफ टॉवल से सुखा लें। इसके बाद इस नुस्खे को अपनी उंगलियों से चेहरे पर लगाएं। आपको इस नुस्खे को लगाते हुए अपने चेहरे की करीब 15 से 20 मिनट तक मालिश करनी होगी। इसके बाद इसे 15 मिनट और चेहरे पर लगा रहने दें और अंत में ठंडे पानी से चेहरा धो लें। ऐसा कुछ हफ्तों तक लगातार करते रहने से आपके चेहरे की झुर्रियां कम हो जाएंगी और स्किन हो जाएगी चमकदार और टाइट। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।